अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में, ठीक है। अच्छा जी, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले हम जो है ना ट्राइजेमिनल नर्व के जो है ना न्यूक्लियस जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटर में जो न्यूक्लियस है इसे हम क्या कहते हैं, पोन्टाइन न्यूक्लियस, ठीक है। क्या पोन्टाइन न्यूक्लियस? अब पोन्टाइन न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में से जो न्यूरॉन होते हैं और न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है, ये आपके पास जो है ना टच की सेंसेशन कैरी करते हैं। किसकी? टच की, ठीक है। उसके बाद इसका एक न्यूक्लियस है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। तो स्पाइनल न्यूक्लियस के जो न्यूरॉन हैं वो आपके पास कैरी करते हैं टेम्परेचर, पेन एंड प्रेशर। ये जो तीनों फंक्शन है ये उन न्यूरॉन का फंक्शन है जो कि एक्सेस जो है ना आपके पास स्पाइनल न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है, ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। एंड एक और आपके पास न्यूक्लियस आता है जिसे आप क्या कहते हैं, मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस। मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस का फंक्शन होता है आपके पास प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन। अब प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब होता है कि सेंसेशन फ्रॉम दी स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। आपके पास जॉइंट्स हो गए एंड मसल्स हो गए, थोड़ा सा नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो आपके पास जो है ना असेंडिंग टेक्स्ट जाते हैं एंड डिसेंडिंग होते हैं। डिसेंडिंग तो मोटर होते हैं, असेंडिंग आपके पास कौन से होते हैं, सेंसरी होते हैं, ठीक है। तो अभी हम फेस कर रहे हैं ना, तो बाकी जो भी एक्सट्रीमिटीज़ हैं आपके पास जो है ना फेस के अलावा जो भी, तो उनकी जो सेंसेशन है ना वो अलग ट्रैक कैरी करते हैं। उन्हें हम जो है ना, एक तो एंटीरोलेटरल सिस्टम होता है और एक जो है ना डोर्सल कोलम मीडियल लेमिनस का सिस्टम होता है, ठीक है, वो कैरी करते हैं। इसमें से जो है ना क्वेश्चन यही आता है कि फेस की जो है ना आपके पास प्रोप्रियोसेप्शन एंड टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर जो है ना सेंसेशन कौन कैरी करता है, तो आपके पास जो है ना आंसर आएगा ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, ट्राइजेमिनल सिस्टम होता है। बहुत सारे बच्चे जो है ना उसमें वो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनस का सिस्टम लगा देते हैं या फिर एंटीरोलेटर लगा देते हैं। अच्छा जी, अब ट्राइजेमिनल नर्व के जो है ना तीन डिविजन्स होते हैं। एक तो आ गया आपके पास क्रैनियल नर्व V1, इसे आप जो है ना ऑप्थैल्मिक डिविजन भी कहते हैं। क्या? ऑप्थैल्मिक डिविजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। अब ऑप्थैल्मिक डिविजन आपके पास पास करता है, सॉरी, पास होता है थ्रू दी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अब ये यहाँ से आया, अब जो है ना ऑप्थैल्मिक डिवीजन की जो है ना तीन मेन ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट वन इज़ योर फ्रंटल नर्व। कौन सी? फ्रंटल नर्व। एंड ये बीच वाली नेजो सीलियरी नर्व, नेजो सीलियरी नर्व। एंड लास्ट आपके पास होती है लैक्राइमल नर्व, लैक्राइमल नर्व। अब फ्रंटल नर्व की आगे दो और ब्रांचेस हैं, एक ये वाली सुप्रा ट्रोक्लियर एंड द सुप्रा ऑर्बिटल। अब देखो, सुप्रा ट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल जो है ना आपके पास सप्लाई करती हैं किसको? स्कैल्प को। किसको? ये दोनों आपके पास जो है ना स्कैल्प को सप्लाई करती हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेजो सिलियरी नर्व की एक ब्रांच है इंफ्रा ट्रोक्लियर नर्व। आपके पास सब क्या है? इंफ्रा ट्रोक्लियर नर्व। और ये जो है ना इसकी टर्मिनल ब्रांच होती है। क्या होती है? टर्मिनल ब्रांच। अच्छा, नेजो सिलियरी की एक भी ब्रांच है ये वाली लेटरल नेजल नर्व, ठीक है, एक ये भी ब्रांच है उसकी। कौन सी? लेटरल नेजल। अच्छा, लेटरल नहीं है पर एक्सटर्नल होगा, ठीक है, एक्सटर्नल नेजल नर्व। अच्छा जी, उसके बाद जो ये लैक्रिमल नर्व है, लैक्रिमल नर्व आपके पास ये जो है ना आपके पास क्या है? लैक्रिमल ग्लैंड। लेकर एमएल ग्लैंड को सप्लाई करती है। अच्छा जी,
नेजोसिलियरी नर्व। अच्छा, मैंने जो है ना इसमें ऑप्थेलमिक डिवीजन में जो है ना एक एंटीरियर रिथमॉइडल एंड पोस्टीरियर रिथमॉइडल भी होती हैं, वो मैंने अभी यहाँ पर जो है ना बनाई नहीं है। चलो बना लेते हैं। ये आ गई आपके पास कौन सी, एंटीरियर इथमोइडल नर्व। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर में अभी नहीं बना रहा। ठीक है, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथमोइडल नर्व ये आपके पास जो है ना सप्लाई करती हैं किसको, पैरानेजल एयर साइनसिस को। पैरानेजल एयर साइनसिस ये आपके पास जो है ना ईयर में होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारा क्या हो गया आपके पास, ऑप्थेलमिक डिवीजन अभी ट्राइजेमिनल नर्व हो गया तकरीबन। ठीक है, अच्छा जी, हाँ जो नेजोसिलियरी नर्व है ना, नेजोसिलियरी नर्व जो है ना एक और ब्रांच होती है जिसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग सिलियरी नर्व। लॉन्ग सिलियरी नर्व जो मैंने सिलियरी गैंग्लियन के जो वीडियो वीडियो है ना उसमें बात करी थी। ठीक है, तो उसकी इसकी जो है ना एक वो ये भी ब्रांच होती है जो कि सिंपैथेटिक फाइबर्स कैरी करती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं किस पर, आपके पास मैक्सिलरी नर्व नर्व पर। ठीक है, जिसे हम जो है ना क्रैनियल नर्व V2 भी कहते हैं, या फिर V2 का मतलब है सेकंड डिवीजन। ठीक है, V1 का मतलब है फर्स्ट डिवीजन। ये क्या हमारे पास मैक्सिलरी नर्व। अब मैक्सिलरी नर्व फोरामेन रोटेंडम से पास होती है, ये तो अभी हमने फोरामेन के वीडियोस में बात करी थी। ये आपके पास एक ये ब्रांच थी ये वाली, ये आपके पास होती हैं गैंग्लियोनिक ब्रांचेस। ये आपके पास गैंग्लियन है, इस गैंग्लियन का नाम है आपके पास टेरेगो पैलेटाइन गैंग्लियन। टेरेगो पैलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है, इसके बारे में जो है ना डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा, ये वाली आपके पास हो गई गैंग्लियोनिक ब्रांचेस, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये जो उसके बाद ब्रांच है ना, ये ब्रांच आपके पास जाइगोमेटिक नर्व। अब जाइगोमेटिक ब्रांच जो है ना इसकी और दो ब्रांचेस होती हैं, एक ये वाली एक ये वाली। इसका नाम है आपके पास कौन सा नाम है इसका, जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व। जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, ठीक है, एंड ये है इसका नाम है आपके पास जाइगोमेटिको फेशियल नर्व। ठीक है जी, जाइगोमेटिको टेम्पोरल एंड जाइगोमेटिको फेशियल नर्व्स। जो जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व है ये आपके पास जो है ना टेम्पोरल फेशिया को सप्लाई करेगी, एंड आपके पास जो हेयर्स होते हैं और स्किन होती है टेम्पोरल रीजन में थोड़ा सा उसको सप्लाई करेगी, एंड जाइगोमेटिको फेशियल आपके पास जो है ना चीक्स को सप्लाई करेगी, चीक्स को। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, बता दिया बस। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास मैक्सिलरी नर्व की जो है ना एक और ब्रांचेस होती, एक ये वाली, इसको फॉलो करें। चलो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, इस ब्लैक को फॉलो करें ये वाली ब्रांच, इसको आप क्या कहते हैं, सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, जो कि अपर जा को सप्लाई करती है। ठीक है, अपर जा को सप्लाई करेगी, एंड उसके बाद इसकी एक और ब्रांच है ये वाली इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। सुपर ऑर्बिटल किसकी थी आपके पास, फ्रंटल नर्व की थी, जो कि आपके पास ऑप्थेल्मिक नर्व की ब्रांच थी सुपर ऑर्बिटल। तो इंफ्रा ऑर्बिटल किसकी है, मैक्सिलरी नर्व की ब्रांच है। ठीक है, ऑर्बिट के नीचे वाला जो भी हिस्सा है उसको सप्लाई करेगी, आप जो है ना लोअर आईलिड को सप्लाई करेगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इसकी एक ब्रांच है ये वाली, ब्रांच टू म्यूकोजा ऑफ द मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस होता है ना, तो उसकी म्यूकोजा को सप्लाई करती है आपके पास कौन सी, मैक्सिलरी नर्व की ये ब्रांच होती है एक। अच्छा जी, हाँ एक और बात, जो ऑप्थेलमिक नर्व एंड मैक्सिलरी नर्व है ये आपके पास प्योरली सेंसरी नर्व्स होती हैं। क्या, प्योरली
सेंसरी नर्वे, ऑप्थेल्मिक भी और मैक्सिलरी भी। जो मैंडिबुलर है ना, ये मैंडिबुलर आपके पास जो है ना सेंसरी भी है एंड मोटर भी है, ठीक है। बाकी ऑप्थेल्मिक एंड द मैक्सिलरी आर प्योरली सेंसरी नर्व्स। अच्छा जी, ट्राइजेमिनल की ये लास्ट लास्ट ब्रांच है, हम क्या कहते हैं मैंडिबुलर नर्व। अब मैंडिबुलर नर्व की जो है ना हमारे पास दो जो है ना इसके इसके जो है ना दो ट्रंक्स आते हैं हमारे पास, एक ये वाला ट्रंक और ये वाला। ये है हमारे पास क्या एंटीरियर ट्रंक एंड ये हमारे पास क्या पोस्टीरियर ट्रंक, ठीक है जी। अब एंटीरियर ट्रंक की अलग से ब्रांचेस हैं, पोस्टीरियर की अलग से ब्रांचेस हैं। चलो हम जो है ना पहले पोस्टीरियर करते हैं, ठीक है। तो एक ये वाली ब्रांच आपको दिख रही होगी, इस नर्व का नाम है आपके पास ओरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व, ओरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व है, इसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, क्योंकि ये आपके पास इस ग्लैंड को सप्लाई करती है। ये आपके पास क्या है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड को जो है ना सप्लाई करती है, और ये पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कैरी करती है। ये हमने पैरोटिड ग्लैंड के वीडियो में जो है ना इस डिटेल से बात करी थी इसकी, ठीक है। अच्छा, ओरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व एंड ओरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व आपके पास जो है ना एक्सटर्नल अक्वास्टिक मीएडस को भी सप्लाई करती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी सप्लाई करती है। चलो मैं लिख देता हूँ, एक्सटर्नल अक्वास्टिक मीएडस को भी सप्लाई करेगी एंड आपके पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी सप्लाई करेगी, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। एंड एक ये वाली ब्रांच है इसकी, इस ब्रांच का नाम है आपके पास लिंगुअल नर्व, लिंगुअल नर्व, ठीक है। ये आपके पास जो है ना टंग को सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद टंग को सप्लाई करती है, लेकिन जो है ना एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग को भी कौन सी जनरल सेंसेशन, जनरल सेंसेशन स्पेशल नहीं। ये जो है ना हम टंग की वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि जनरल क्या है एंड स्पेशल क्या है, मतलब ये जो है ना टेस्ट कैरी नहीं करती, बस सिर्फ जो जनरल सेंसेशन है वही कैरी करती है, ठीक है। ये स्पेशल सेंसेशन कैरी नहीं करती, और स्पेशल जो सेंसेशन कैरी करती है ना आपके पास जो है ना एंटीरियर टू थर्ड टंग से, वो आपके पास होती है कोडा टेम्पेना है, जो कि जो है ना फेशियल नर्व की ब्रांच होती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो लास्ट ब्रांच है आपके पास पोस्टीरियर डिवीजन की, ये है, इसका नाम है आपके पास इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व, इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व। जो आपके पास डेंटिस्ट होते हैं ना, वो इसी नर्व को जो है ना पैरालाइज करते हैं, जो है ना दांत वगैरह निकालते हैं, ये यही नर्व होती है, ठीक है। अच्छा जी, इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व की एक ब्रांच होती है ये वाली, इस नर्व को आपके कहते हैं नर्व्ड माइलोहायोइड, ये माइलोहायोइड मसल है उसको सप्लाई करेगी, तो नर्व्ड माइलोहायोइड, नर्व्ड माइलोहायोइड मसल। एंड ये वाली इसकी ब्रांच है। अब देखो, ये इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व एक जो है ना, ये यहाँ से ये ब्रांच दे रही है और ये ब्रांच पास हो रही है इस फोरामेन से, इस फोरामेन का नाम है आपके पास मेंटल फोरामेन, मेंटल फोरामेन। एंड इस नर्व का नाम क्या होगा, मेंटल नर्व, मेंटल नर्व, सिंपल है। अच्छा जी, मेंटल नर्व आपके पास जो है ना लोअर चिन को सप्लाई करेगी, लोअर लिप की जो है ना म्यूकोसा को सप्लाई करेगी, ठीक है। ये किसको सप्लाई करेगी, लोअर चिन एंड आपके पास लोअर लिप की
म्यूकोजा को सप्लाई करेगी, किसको, लोअर लिप की म्यूकोजा को सप्लाई करेगी। अच्छा जी, अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया इंटीरियर ट्रंक ऑफ द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। जो इंटीरियर ट्रंक के, इसकी ये एक बड़ी वाली जो ब्रांच है, ये आपके पास, इस नर्व का नाम है आपके पास बक्कल नर्व। क्या बक्कल नर्व, ठीक है, चलो इसको ब्लैक से लिखते हैं आगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसकी ये वाली जो ब्रांच है, इसका नाम है आपके पास डीप टेम्पोरल नर्व। क्या एंड ये आपके पास जो है ना टेम्पोरेलिस मसल को सप्लाई करेगी, टेम्पोरेलिस मसल को सप्लाई करेगी, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि जो मैंडिबुलर डिवीजन है, ये आपके पास क्या होता है, सेंसरी भी होता है एंड मोटर भी होता है, तो मसल को सप्लाई कर रही थी, तो ये इसका मोटर पार्ट हो गया, एंड यहाँ से जो है ना माइलोहेड को जो सप्लाई कर रही थी वो भी मोटर पार्ट था, बाकी जो था बाकी सब सेंसरी था, ठीक है। अच्छा जी, डीप टेम्पोरल नर्व हो गया। अच्छा, एक और जो है ना इसकी, ये दोनों ब्रांचेस हैं, एक ये वाली ब्रांच है, इस ब्रांच का नाम है हमारे पास मेसेंटेरिक नर्व। मेसेंटेरिक नर्व, नाम ही बता रहा है, मेसेंटेरिक नर्व तो मेसेंटर मसल को सप्लाई करेगी। एंड ये एक और ब्रांच है, ये सिंपल है, ठीक, ये सिंपल है, इसका नाम है नर्व्ड लेटरल टेरिगोइड मसल। नर्व्ड लेटरल टेरिगोइड मसल, ठीक है जी। ये सारी थी आपके पास जो है ना ब्रांचेस थी, ठीक है। अच्छा, ये भी आपके पास जो है ना मस्कुलर ब्रांच है, ये भी मस्कुलर है, मतलब मोटर है, ये भी मोटर है एंड ये मोटर है, चार। अच्छा, हमने जो है ना उसमें बात की थी ना, जो वीडियो था हमारा फ्रेंजल एपरेटस का, तो उसमें ये हमने सारी बात की थी कि जो है ना ये जो भी मसल हैं आपके पास, टेम्पोरेलिस हो गया, मेसेंटर एंड लेटरल टेरिगॉइड एंड एक और होता है मीडियल टेरिगॉइड, इन सबको जो है ना सप्लाई करती हैं आपके पास जो है ना, इन चारों को जो है ना हम क्या कहते हैं, मसल्स ऑफ मास्टिकेशन, तो उनको सप्लाई करती है आपके पास मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ दी ट्राइजेमिनल नर्व, और उनकी जो है ना सारी ब्रांचेस भी हमने डिस्कस की थी, ठीक, डिस्कस किया भी। अच्छा जी, होप कि जो है ना टॉपिक समझ में आ गया होगा।